एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू संग मेरे व्लॉग्स। तो जी यहाँ पर हो चुकी है सुबह की शुरुआत चाय से, और चाय के साथ शीरमाल है। मम्मी आजमगढ़ गई थी तो वहाँ से जब वापस आई थी वो शीरमाल लेके आई थी। तो चाय शीरमाल लोगों को बहुत पसंद है, और घबराइए नहीं क्योंकि हम इसमें ये नहीं दिखाने वाले कि खाना पकाना या जो भी चलता है किचन का वो सब कुछ नहीं शेयर करेंगे आज, बस चाय शेयर की है। तो यही है, इस वक्त तक हमने यहाँ पर खाना वगैरह बना लिया है और घी निकाल रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये थर्सडे वाला दिन है तो इस दिन थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम हम करते हैं, तो वही है ये। यहाँ पर अब हमें ये जो मनी प्लांट है ना, इसका थोड़ा पानी चेंज करना है, और जो हमने घी निकालने के लिए रखा था उसका जो छाछ बचता है जब हम लोग मक्खन निकाल लेते हैं तो जो बचता है उसका पनीर निकाला था हमने, तो वो रखा है। अशाज को और कुछ खाते नहीं है, बस अब हमारा फोकस सिर्फ पनीर पर ही है कि पनीर बने, कैसे भी बस पनीर मिले, घर में रहना चाहिए, तो इस वजह से हमने वो थोड़ा सा पनीर निकाल लिया है। अब हम चेंज करेंगे इसका पानी। तो यहाँ पर पानी चेंज कर चुके हैं हम, और अच्छे से जार को हमने धो लिया था। अच्छा है कि इसका जो जैम का जार है, जैम की बॉटल, तो चौड़ा सा उसका मुंह है, अच्छे से हाथ चला जाता है इसमें। और यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं हम, अब इकलौता पौधा है ये हमारे घर का, तो थोड़ा सा इसको पैम्पर करना बनता है, अभी हम लोगों ने कोई पौधे वगैरह नहीं लिए हैं, तो यही है, इसको रख देंगे साइड पर। अब चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। तो यहाँ हमारे पास कॉलिन की खाली बॉटल पड़ी हुई है और हमें करना है डस्टिंग। तो उसके लिए हमने सोचा कि हम एक डिश वॉश लिक्विड बनाएं, DIY लिक्विड, और शेयर करें। यहाँ पर पानी है, विनेगर है, स्पून में जो है वो बेकिंग सोडा है, और लिक्विड है। तो यहाँ पर 2 ग्लास ये जो है इससे हमने पानी लिया था, और आधा ग्लास विनेगर। आप कप से लें, 2 कप पानी और आधा कप विनेगर, और यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये डिश वॉश लिक्विड जो है इसको हमने घोल के रखा है। आप इसकी जगह शैम्पू को भी घोल के रख सकते हैं, और बाद में इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर, मतलब अच्छे से। और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना ये ना ऐसे चिकना चिकना सा टेबल ऐसे स्लिपरी सा लगेगा और सही से क्लियर नहीं होगा। और यहाँ पर साइड में एंटी इच बॉटल दिख रही होगी, फिश जिस पर बनी हुई है ब्लू वाली, तो ये डाल देते हैं ना थोड़ा सा, तो इसमें ब्लू कलर जैसे कॉलिन का होता है एकदम वैसे ही सेम आता है, और कोई फर्क नहीं पता चलता कि मतलब खरीदा हुआ है या बनाया हुआ। ये है यहाँ पर हमारा कॉलिन, और अब हम इससे करेंगे साफ सफाई। तो वो जो लिक्विड है ना वो एक्वेरियम की शॉप पर 50 रुपये में या अंडर 50 मिल जाता है, और वो फिशेस के एक्वेरियम में ही डालने के लिए यूज़ होता है, जब ठंड वगैरह में पानी नहीं चेंज कर सकते हैं बार बार, और तो उसको डाल दो तो सही रहता है। जैसे बड़े बड़े जिनके घरों में एक्वेरियम होते हैं ना, तो उससे पानी भी क्लियर दिखता है और फिशेस भी हेल्दी होती हैं, रहती हैं। तो यहाँ पर इस जगह पर ना दूध लेने के लिए बर्तन रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये जगह बहुत गंदी हो जाती है अगर साफ़ नहीं करो तो इसलिए अच्छे से यहाँ पर साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। और ये जो बेडशीट है ना, आप ज़्यादातर हमारी वीडियोज़ में नोटिस करते होंगे कि यही रहती है, तो ये शेल्फ़ ब्लैक एंड वाइट है, इस वजह से हमने नीचे यहाँ पर हम इसको दो के यही बिछाते रहते हैं, बहुत कम हम यहाँ चेंज करते हैं फिर वापस उसको बिछा देंगे जब वो सूख जाती है, तो कि सिर्फ कॉम्बिनेशन के लिए कि हमको सही लगता है, और अभी हमने इस कॉम्बिनेशन में और बेडशीट्स नहीं ली हैं, तो हम यहाँ पर वही चेंज कर रहे हैं कि अब मतलब इसको धुल देंगे। और ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि हम थर्सडे वाले दिन ही बेडशीट्स बदलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे हैं हमारे घर में तो बेडशीट्स कभी भी बदली जाती हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशल दिन हो इसका, तो बस सिर्फ यहाँ की ही चेंज करने वाले हैं हम बेडशीट्स, और बस अभी हम वही चेंज करने जा रहे हैं। तो चादर वगैरह का काम हो गया खत्म, और अब हम आ चुके हैं किचन में। यहाँ पर हमारे पास कढ़ाई है जो कि हम साफ करने जा रहे हैं। वैसे तो ये देखें, इसका जो किनारे हैं वहाँ पर गंदगी देखिए कितना ज़्यादा ये हो जाता है इस तरह का, तो वही साफ करने वाले हैं हम। और ये चाय के छन्नी है हमारे पास, जो कि जिसको हमने इस तरह
से करके रखा है कि हम साफ सफाई करके आप लोगों को दिखा सकें कि हम किस तरह से करते हैं साफ। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो ब्रश है जो कि हम बहुत 2 सालों से समझिए हम यूज कर रहे हैं और ये काफी हेल्पफुल है। वैसे तो हमारे यहाँ पर आती हैं हाउस हेल्प के लिए बर्तन धोने के लिए, तो वो लोग ऐसे ही बस काम करते हैं, इतना डीप नहीं काम करती, तो ये सब हम ही किसी दिन करते हैं। इसमें ना 3 तरह के ऐसे ब्रशेज आते हैं, हमसे हो सकेगा तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ऑनलाइन मंगाया था हमने, तो पहले हम लोग इसकी नॉर्मल जिससे बर्तन मांजते हैं उससे शुरू करेंगे और फिर ब्रशेस का यूज करेंगे। तो किसी किसी दिन हम इस तरह से सफाई कर लेते हैं, हमने सोचा कि हम आप लोगों से ये शेयर करें, इसलिए ये चीज हम आप सबसे शेयर कर रहे हैं। इनमें से किसी भी ब्रश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वायर वाले ब्रश होते हैं, एक में गोल्डन वायर होता है, एक में सिल्वर। तो गोल्डन वाले का, तो ब्लैक वाले में गोल्डन था तो उसका कलर धुंधुल के उतर चुका है और दोनों ही ऐसे हो गए हैं। और यहाँ पर अब हम वही स्टार्ट कर रहे हैं इसको साफ करना। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक साइड का इस तरह है और एक साइड हमने साफ किया है, तो ये इस तरह का है। वैसे अभी हम और ज्यादा फट डाले ना तो हम इससे भी ज्यादा चमका सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम जल्दी जल्दी दिखा के वीडियो खत्म करें और बनाएं। और यहाँ पर अब हमने दूसरी साइड का स्टार्ट कर दिया है, तो अभी आपको दिखाते हैं साफ सफाई होने के बाद। तो ये देखें यहाँ पर हमारी जो कढ़ाई है वो माशाल्लाह एकदम अच्छे से साफ हो गई है, सारे किनारे वगैरह। तो हम बता रहे हैं ना कि ये ब्रशेस जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपको कुकर के किनारे, पैन के, चाय के जो होते हैं अंदर, वो सब कुछ बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब बारी आती है इसकी, तो इसका तो रोज ही काम होता है चाय की छन्नी का। और यहाँ पर भी इसको भी घिसना शुरू करेंगे हम, और थोड़ा आप लोग ध्यान से इसको करिएगा क्योंकि ना इसके जो ब्रश में होता है ना ये वायर होता है तो वो हाथ में चुभ भी सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करें। अगर मेरे कहने पर अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी करते हों तो यहाँ पर चाय की छन्नी भी इस तरह से साफ कर ली हमने। पहले हम क्या करते थे ना, बहुत पहले हम जला के भी इसको साफ कर लेते थे जब इस तरह से गंदी हो जाती थी अपनी एक्सट्रीम लेवल की, तो लेकिन वो सब बहुत, वो जलाना वगैरह बहुत खराब लगता था हमको और उससे पूरा कलर भी इसका चेंज हो जाता था। और ये ना ब्रश से बहुत अच्छे से और इजीली साफ हो जाती है, और ये थोड़ा भीगी हुई है ना इसलिए उतना क्लियर नहीं दिख रहा, जब ये सूख गई थी ना तो ये और भी ज़्यादा मतलब साफ दिख रही थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने शेयर कर दी आपसे, और ये ब्रशेज हैं जो कि हमारे बहुत काम के हैं, तो हम लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वैसे तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया इसको लिए हुए। और फिर हम आ गए थे कपड़े फैलाने के लिए, मौसम थोड़ा खुला खुला सा था तो हमने सोचा डाल लें, वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हुए थे तो फैलाने थे, वही फैला रहे हैं हम यहाँ पर। तो कपड़ों का ढेर तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है कि ख़त्म हो जाए, जैसे ख़त्म करो वैसे फिर बारिश हो जाती है और फिर ये कपड़े पड़े रह जाते हैं सूखने को और नए कपड़े और जमा हो जाते हैं, तो यही चल रहा है फिलहाल। और इस वक्त तो मौसम अच्छा था, खुला खुला सा मौसम था और सही था, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी से सूख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सामने देखें भैंस वगैरह है, वो घास खा रही है, और यहाँ पर थोड़ी सी खाली ज़मीन है ना तो इस तरह की चीज़ें ट्रैक्टर वगैरह दिख जाते हैं, तो गांव और शहर दोनों के नज़ारे मिल जाते हैं। खैर शहरों में तो इतनी खाली जगह देखने को मिलती नहीं है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर है और मौसम अच्छा, काफ़ी संदली संदली सा हो रहा था, तो यही है। और क्या होता है ना कि थर्सडे के दिन थोड़ा सा एफर्ट डाल लो अगर कि चीज़ें सब कुछ सही रहें, साफ सुथरा रहे, तो फिर फ्राइडे के दिन सुकून से इंसान अपना वक्त गुजार सकता है। और सुकून से गुजारना मतलब ये कि जैसे जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग की छुट्टियां जो है वो फ्राइडे वाले दिन ही होती थी, तो इस दिन एक दिमाग में जैसे है हमेशा से ही कि ये इस दिन ज़्यादा काम वाम नहीं करना होता और अच्छा छुट्टी वाला दिन है, तो छुट्टी वाला दिन हम लोगों के लिए तो फिलहाल है नहीं, कभी भी नहीं होगा अभी, तो यही है कि बस काम हल्का कर सकते हैं। और यहाँ पर हम प्रेस कर रहे थे बच्चों के लिए कपड़े,
कुर्ता पिजामा जुमे के दिन के लिए, और इस दिन तो नमाज के लिए जाते हैं बाहर जेंट्स लोग, बच्चे भी अगर छुट्टी होती है स्कूल की तो वो लोग भी जाते हैं साथ में माशाल्लाह। और यहाँ पर जो है हम दिखा रहे हैं कि हमने एक हैंगर ऑर्डर किया था ऑनलाइन, ये जो टंगा हुआ है नाइस डे लिखा हुआ है ना ब्लैक कलर का वो, और वो हमने इस तरह से मतलब ऐसे ड्रॉर में हैंग कर रखा है। तो यहाँ पर ये हमने इसलिए टांग रखा है ना कि बच्चे इजिली यहाँ पर अपनी चीज़ें टांग सकें। तो ये लोग जब स्कूल से आते हैं तो इनको बोल के हम वहाँ पर इनको बोलते हैं कि हैंग कर दीजिए अपने यूनिफॉर्म्स, ताकि इन लोगों में एक जैसे आदत आए, एक हैबिट डेवलप हो कि अपनी चीज़ें अपनी जगह रखनी है। और थोड़ा से मतलब पूरी तरह से हर मेरे ऊपर ना रहे कि मम्मा ये किधर है या वो किधर है या आप रख दीजिए, ये वाला ना हो। तो इस वजह से हमने ये हैंगर मंगाया था और हमने यहाँ टांग दिया। ये बिल्कुल लाइट वेट है, इसमें कोई वेट नहीं है, बस यही जो कपड़े टंगे हैं बच्चों के इनका ही वेट है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये ड्रॉज में कुछ फर्क पड़ेगा ऐसा कुछ। तो आपके पास भी अगर जगह हो तो आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं और बच्चों में इस तरह से आदत भी आ सकती है एक अच्छी। तो यहाँ पर हमने जब अलमारी खोली दी है तो हम दिखा दें कि ये भी हमने आज साफ की थी। साफ मतलब क्या, बस वही बुक्स वगैरह फैली हुई थी, जुहान का बैग बाहर था तो यहाँ पे रख दिया है। दोनों अपना बैग यहाँ पर ला के रखते हैं, हम बोलते हैं रखने के लिए, वैसे खुद से भी रख देते हैं कभी कभी। और ये बुक्स वगैरह हमने सही की हैं, देखी हैं कि क्या क्या है और सब चीज़ें सही हो। वैसे इसमें इस अलमारी में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, साइड में एक बैग पड़ा हुआ है येलो कलर का, वो शाजान का है। तो इस तरह से ये हैंगर है, तो आप लोग देख सकते हैं इसे, और लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर अब हम आ चुके हैं कपड़े अलग अलग रखने के लिए। तो यहाँ पर ना जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं जैसे वाइट और ऐसे बेबी पिंक बेबी कलर के सारी चीज़ें, तो वो हम एक पॉलीथिन में करके इसी बास्केट में रख देते हैं, और बाकी बच्चों के कपड़े अलग बड़ों के कपड़े अलग, तो इस तरह से करके सब रख देते हैं। और हमारी कोशिश वैसे ये है कि आज हम एक कपड़े और बच्चों या बड़ों के मतलब बड़ों में मतलब बच्चों के बाबा ही हैं जेंट्स में, तो उनके कपड़े या बच्चों के कपड़े धो लें। और फिर इसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर हमारा जो हमने फिश ली थी ना उसको साफ सुथरा करने के लिए, इसका पानी चेंज करना होता है, तो उन्होंने ऐसे बोला था हफ्ते में चेंज करने के लिए। तो हमें जब भी गंदा दिखता है हम कर देते हैं, और अभी हम जा रहे थे नहाने जाने वाले थे तो हमने सोचा ये भी काम निपटा देते हैं, और ताकि सब कुछ अच्छा रहे साफ सुथरा रहे। और ये जो है ना ये मछलियों को हम यहाँ पे डाल देते हैं इसमें, एक ऐसे ये डब्बे होते हैं ना खाना वगैरह जिसमें आता है बाहर से, उस वो हमने बना रखा है स्पेशली इसी के लिए। और यहाँ पर ये एक वो है जो हमने वॉश बेसिन के पास एक वो रखा है ना फ्लावर पॉट, उसमें से हमने लिया है ये। तो इसको इस तरह से डालो ना तो ये तैरता, और इसको हमने ऐसे कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन में होल करके ऐसे चिपकाया हुआ था इन दोनों को, मतलब ये जो क्या पत्तियाँ हैं इनको, तो इसके ढक्कन में हमने ये पत्थर डाला है। और फिर इसको अब हम नीचे डाल देंगे तो ये टिका रहेगा। इसमें थोड़ा सा ग्रीन ऐड करने के लिए हमने ये काम किया है। तो यहाँ पर मछलियाँ भी फ्रेश हो चुकी हैं और अब हम इनको ले जा कर रख देंगे। और ये भी मतलब काफ़ी अच्छा सा होता है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा गंदगी करती हैं बहुत, मतलब अभी बस सिर्फ इतना साफ ना 2 दिन सिर्फ रहता है, फिर तीसरे दिन से वैसे ही गंदा दिखने लग जाता है। और ये देखें यहाँ पर इन लोगों को। और अब हम करेंगे वॉश बेसिन की सफाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने फिश वगैरह को भी साफ किया है, और वैसे भी नहाने से पहले थोड़ा सा इस पर हाथ मार देते हैं कि साफ हो जाए।
और तो बस वही है। और अभी आप लोगों ने सीटी सुनी थी ना, हम बैठ के बालकनी में वॉइस ओवर कर रहे हैं रात के वक्त, तो इस वजह से गार्ड जो है वो सीटी बजा रहे हैं, वो जागते रहो वाला टाइप्स का पहले रहता था ना, जागते रहो, एक डंडा लेके ठक ठक चलते थे, क्या बोलेंगे उसको, चौकीदार या जो भी, तो उसी तरह से है यहाँ पर सोसाइटी में। और फिर ये जो है ये सब कुछ कंगाल के हम फिश का जो भी है वो सब कुछ हम रख देंगे उसकी जगह पर। और यहाँ पर पानी थोड़ा सा ऊपर ऊपर आ जाता है, जब कुछ भी वॉश बेसिन वगैरह धुलो तो इसको अच्छे से ड्राई कर देंगे, क्योंकि वो लकड़ी का है ना, तो उस पर फर्क पड़ेगा। और यहाँ पर हम आ चुके थे नहा के और बारिश हो गई थी, तो हमने कपड़े हटा लिए थे, और अभी इस वक्त थोड़ा रुकी हुई है बारिश। और फिर इसके बाद हमने आके जल्दी जल्दी से शाहजान को खाना खिलाया, शाहजान यहाँ टीवी लगाने के लिए बोल रहे थे, हमने बोला पहले जल्दी से खाना खाइए, और बहुत मुश्किल से इन्होंने खाना खाया है, हिस्से लगा लगा के हमने ये किसका है वो किसका है करके इनको ट्राई किया है, खिलाया है। और और फिर अब हम आ चुके हैं वापस खाना लगाने के लिए बड़े लोगों का। मम्मी नमाज पढ़ रही थी और खाना हमने सब निकाल के रखा था, बस लगाना ही था, तो वही कर रहे हैं हम। और अब शाहजान परेशान हो गए थे, इनको हमारे पास सोना था, मतलब हमारे साथ, तो ये हमें लेके जा रहे थे। और यहाँ पर ये चाय बनाने पहुँच गए थे खुद से किचन में, इन्होंने सोचा कि अभी ये तो उठेगी नहीं, लेटी हुई है, तो मैं ही खुद ही बना लूँ। और वैसे ये है ना, हमें मतलब हम बोलते हैं कि हम सिर्फ सुबह और शाम की चाय बना देंगे बिना कहे, और उसके अलावा चाय बनाना हमें बहुत ही बुरा लगता है। तो यहाँ पर सायरा बाजी भी आ गई थी बर्तन धोने, और ये जो है चाय बना के अपना इतराते हुए लेके चले कि मैंने बना लिया खुद से, तो अच्छा लगा खैर हमें कि हमें नहीं उठना हुआ। और यहाँ पर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, अचानक से बारिश होने लगी, हम भी लेटे तो थोड़ी हमारी आँख लग गई। तो इस तरह से हम अपना ये व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। और आप में से तकरीबन 35 या 36% ऐसे लोग हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, तो प्लीज़ जो लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बाकी जिन्होंने कर रखा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह साथ रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।